हाय फ्रेंड्स, आज भी लाइट नहीं है, हमेशा की तरह आज भी लाइट नहीं है। और आज ना रात से ही लाइट नहीं थी। ऐसा क्यों होता है पता है? हम जंगल में रहते हैं, हमारे यहाँ लाइट रहती ही नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज ना मैं आया हूँ अंकलेश्वर और यहाँ से मुझे टूल लेने थे, क्योंकि अब अपनी चैनल पे ना थोड़ा क्रेज़ी होने वाला है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो नई नई चीज़ें आने वाली हैं, और बस उसके लिए मुझे ना थोड़े टूल्स जो होते हैं ना उसकी नीड थी, जो पावर टूल्स होते हैं। हैंड टूल तो है मेरे पास, लेकिन पावर टूल चाहिए थे थोड़े। तो मैं यहाँ पे दो टूल तो मैंने यहाँ से ले लिए हैं, एक ड्रिल मशीन लिया है और ग्राइंडर मशीन लिया है। दो टूल मैंने यहाँ से ले लिए। और ये जो शॉप है ना, बहुत ही नाइस है, बहुत ही अच्छी शॉप है। यहाँ पे बहुत से टूल्स मिल जाते हैं और प्राइस भी इतनी मतलब में ज़्यादा नहीं है, बहुत ही मतलब में चीप प्राइस में आपको बहुत सारे यहाँ पे, जो भी आप अगर कोई कस्टम चीज़ आप अगर करना चाहते हो तो तब भी ये जो शॉप है ना वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आपको कोई भी टूल लेना हो तो यहाँ पे आप आ सकते हो। ये कुछ इस तरह से है, बाबजी टूल्स, इस तरह से अंकलेश्वर में। और ये जो एरिया है ना उसे कुछ प्रतीप एरिया, प्रतीप चौकड़ी ऐसा कुछ बोलते हैं। तो मुझे तो पता नहीं था, लेकिन फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ से मैंने टूल बाय किए। और इनकी जो मतलब मैं सर्विस प्रोवाइडर जो भी मतलब मैं यहाँ पे बैठते हैं ना, वो बहुत ही नाइस है, बहुत ही अच्छे हैं। और इनका जो भी मतलब मैं बिहेवियर है वो भी बहुत ही नाइस है। तो यहाँ से आप बाय करना चाहो कोई भी टूल तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो मैं जब यहाँ पे आने के लिए निकला ना तो मैं अकेला था, और तभी मुझे ये मेरे फ्रेंड मिले। तो मैंने बोला कि चलो भाई, कोई ऐसे प्लानिंग तो है नहीं, लेकिन अभी निकलना है। कल तो हर रोज़ होती है, लेकिन हमारी कल नहीं होगी भाई, तो इसलिए आज ही काम ख़त्म कर देते हैं और आज ही टूल लेके आते हैं। तो ये हमारे इलियास भाई हैं और ये हुज़ैफ़ा भाई हैं, और ये जो है ना मेरे पड़ोसी हैं और मेरे बचपन के फ्रेंड्स भी हैं। तो थोड़ा निकला है बाहर, आज ये भी फ्री थे। ऐसे तो बहुत काम रहता है इनको भी, लेकिन आज थोड़ा फ्री थे तो आ गए साथ में। ठीक है, अभी कहीं पर जाते हैं, थोड़ा चाय पानी करते हैं, नाश्ता वगैरह कुछ करते हैं और फिर घर पर निकलेंगे। ठीक है, और अभी ना शायद एक दो दिन में एक व्लॉग आएगा, यानी एक वीक में दो व्लॉग आएंगे। बहुत ज़्यादा अब मैं नहीं रखने वाला, क्योंकि इस तरह से काम रहता है और बाहर जाना होता है तो इतना कोई डिटेल में व्लॉग नहीं बन पाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, अब एक वीक में दो व्लॉग आएंगे, और जो मतलब दो व्लॉग आएंगे ना वो मस्त आएंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा क्रेज़ी करते हैं, टूल तो बाय कर लिए हैं, अब काम करते हैं। यहाँ पे ना प्लाई बोर्ड वगैरह बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे, और ये अंकलेश्वर की कबाड़ी बाज़ार है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आया हूँ, सेकंड हैंड प्लाई बहुत मिलती है। तो अभी एज अ प्रैक्टिस मैं सेकंड हैंड बोर्ड लेना चाहता हूँ, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें लेनी भी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे निकलते हैं और अंदर थोड़ा घूम के देखते हैं कौन सी चीज़ें यहाँ पे मिलती है और कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें काम लगने वाली है। ठीक है, तो चलो अंदर जाते हैं और थोड़ा बहुत देख लेते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने बोर्ड देखे और प्राइस भी यहाँ पे पूछ ली, 32 से स्टार्ट होती है और 50, यानी 32 रुपीज़ पर केजी और 50 रुपीज़ पर केजी, 40 और 35, इस तरह से यहाँ पे प्राइस है। तो यहाँ पे प्राइस तो अभी देख ली हमने, और जो मुझे साइज़ चाहिए थी ना बोर्ड की, जो साइज़ चाहिए थी मुझे 4x6 की साइज़ चाहिए थी, और उसमें ना कोई इतनी ख़ास बोर्ड नहीं है। तो यहाँ पे तो हमने कीमत देख ली, लेकिन अभी मैं नई जो बोर्ड होती है ना उसकी क्या प्राइस है वो भी मैं देख लूँगा, और उसके लिए मैं कल जाऊँगा। तो कोई नहीं, अभी मैं घर जा रहा हूँ, अभी घर जाता हूँ, और मतलब मैं वहाँ पे भी कुछ प्लानिंग करना है थोड़ा बहुत, और जो भी करना है मतलब मैं जाते हैं घर पे, थोड़ा प्लानिंग करते हैं, उसके बाद कल फिर से मार्केट घूमेंगे, थोड़ा प्राइस जानेंगे कौन सी प्राइस हमारे लिए बेस्ट रहती है और कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेस्ट रहती है, कौन सी चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है, वो सारी चीज़ें देखेंगे, उसके बाद बाय करेंगे। ठीक है, तो अभी घर जाते हैं, घर जाकर मिलते हैं फिर से। ठीक है दोस्तों, मैं घर पे आ चुका हूँ, अभी ये सामान सब कुछ मैं ले आया हूँ। सामान मैं इतना कुछ लाया नहीं हूँ, बस मतलब मैं दो मशीन मुझे लाना थे पावर टूल, वो दो मशीन मैं ले आया हूँ, और मतलब मैं हेक्सो ब्लेड वगैरह लाना था, फ्रेम वगैरह लाना था, तो वो भी मैं ले आया हूँ। ठीक है, तो अभी मैं जाता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज़ पढ़ के आता हूँ, बाद में इसका थोड़ा अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कितना पावरफुल टूल है। दोस्तों मैंने अभी के लिए इतने टूल बाय किए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे है हमारे पास, ये है ग्राइंडर मशीन और ये है ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, और इस तरह से ड्रिलिंग मशीन का हैंडल वगैरह भी है, और ये मतलब में जो भी इसके टूल्स है स्पेयर, और ये मतलब में लेवल पट्टी जो कहते हैं वो है लेवलिंग के लिए। ठीक है, और इस तरह से ये डिश वगैरह है ग्राइंडर मशीन के साथ, और ये हैक्सो ब्लेड एंड फ्रेम वगैरह भी अलग से हैं, ये वाले भी एक हैक्सो ब्लेड है। अभी ना अब इसको स्टार्ट करके थोड़ा बहुत टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये कितना अच्छे से वर्क करता है, और मतलब जो भी इसका प्रोसेसर है और जो भी मतलब इसकी वर्कएबिलिटी है वो सारी चीज़ें अभी टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। और लाइट नहीं थी 4-5 घंटे से, अभी लाइट आई है, तो कोई नहीं बस चेक कर लेते हैं अभी फ़िलहाल। तो दोस्तों ये मशीन तो अभी चालू करते हैं, लेकिन ट्राई करने से पहले ना ये जो ग्राइंडर मशीन है ना उसका मैं आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ। ये 1200 यहाँ पे आप देख सकते हो 1200 वॉट का है, और ये जो है ड्रिलिंग मशीन उसका 950 वॉट। ठीक है, तो इतने वॉट का है, 950 वॉट का ये है एंड 1200 वॉट का ये है। लाइट गई भाई, फिर से लाइट गई, ये इन्वर्टर पे चालू है। ठीक है, लाइट गई, अभी इसे चालू नहीं कर सकते। ठीक है, कोई नहीं, लाइट तो आती जाती रहती है यार, अपना काम करते हैं। 5 घंटे के बाद लाइट आई थी, फिर से चली गई, देख सकते हो। ये अभी जो चल रहा है ना वो इन्वर्टर पर चल रहा है, अभी पता नहीं कब आएगी। अभी नाइट हुई है 9 बजे है, ठीक है, लेकिन लाइट फिर से चली गई भाई, ऐसा ही होता है यहाँ पे, चलता है भाई है? सब कुछ चलता है, चलो फिर चलने दो। तो दोस्तों बाहर देखो यार कितना अंधेरा है, यानी जिनके यहाँ इन्वर्टर नहीं होगा उनका क्या हाल होता होगा, पूरी पूरी रात लाइट नहीं आती है यार, मतलब मैं क्या यार, बस चलता है, चलने दो, कोई नहीं। तो दोस्तों दिन बदल चुका है, लेकिन अपना काम नहीं बदला है, सुबह हो चुकी है लेकिन अपना वही काम है, कल का जो काम बाकी था वो आज पूरा करना है, यानी मशीन टेस्ट करना है हमें। तो मशीन टेस्ट नहीं किया कल लाइट की वजह से, मतलब मैं लाइट का प्रॉब्लम चलता रहता है तो उसकी वजह से मशीन टेस्ट नहीं किया। अभी हम स्टूडियो पे जाते हैं और वहाँ पे जाकर मशीन टेस्ट करते हैं, क्यों, बिकॉज माय सन इज स्लीपिंग नाउ, तो अभी यहाँ पे आवाज़ नहीं करनी है, स्टूडियो पे जाना है, वहाँ पे जाकर मशीन टेस्ट करना है।
तो चलो स्टूडियो पे जाते हैं। बहुत पावरफुल है भाई, ठीक है, बहुत पावरफुल मशीन है। मतलब मैं इसे यूज़ करना हो ना तो बहुत केयरफुली सब कुछ चेक करना पड़ता है पहले, तो भाई प्रॉपरली स्क्रू किया है या नहीं किया है। मतलब ये जो मैंने अभी लगाया है कवर वो सेफ्टी के लिए है, और ये मुझे लगाना था इसलिए मैंने लगाया है। बहुत से लोग होते हैं जो नहीं लगाते, लेकिन मुझे लगाना है, ठीक है, क्योंकि यार इतना एक्सपीरियंस नहीं है इसमें। अब कितना ड्रिलिंग की बात है, देखते हैं कितना, मतलब मैं ये कितना फास्ट होता है। वो ग्राइंडर तो चेक कर लिया, बहुत मतलब मेरे यार पावरफुल मशीन है, उसे ना थोड़ा संभाल के बहुत केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा अभी स्टार्टिंग में। स्विच लगाना, अभी देखो यहाँ पे स्विच है, अगर हैमरिंग करना हो ना तो इस तरह से हैमरिंग भी होता है, और नॉर्मली चलाना हो ना तो इस तरह से ये चलता है। अभी ये रिवर्स में चल रहा है, अभी ये देखो आप रिवर्स में है, अभी फॉरवर्ड करते हैं, इस तरफ करना पड़ता है फॉरवर्ड को, ये करना पड़ता है। ओके, बहुत बढ़िया, तो ठीक है दोस्तों, अपना जो भी मतलब मैं टूल का आज का टेस्टिंग था वो ख़त्म हो चुका है। अभी मैं जा रहा हूँ हार्डवेयर की शॉप है, तो वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ से ना जो भी मतलब मैं सेफ्टी किट होती है, जैसे ग्लव्स हो गया, गॉगल्स हो गया, और जो भी मतलब मैं शूज़ वगैरह हो गया वो भी लेना है मुझे। तो अभी वहाँ पर भी जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ पर है या नहीं है, अगर होगा तो वहाँ से ले लूँगा, बाय कर लूँगा। और मतलब मैं थोड़े और भी काम है वो भी ख़त्म करने हैं, वो ख़त्म करूँगा और फिर करने हैं वीडियो एडिट करूँगा। तो मतलब मैं ऑल ओवर ये जो टूल है ना वो बहुत ही बढ़िया है। अगर ये ऑनलाइन मिलते हैं ना तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो, और अगर आपके कोई करीब की कोई भी शॉप हो तो वहाँ से भी आप बाय कर सकते हो। तो मैं क्या सोच रहा हूँ अपना ना आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगर मैं और भी डिटेल देने जाऊँगा ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आप वो हो जाओ। तो इसलिए मैं क्या सोच रहा हूँ अभी ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँगा जो भी मतलब मैं आज की जो भी एक्टिविटी होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन कर सकते हो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले, और वीडियो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओ, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।